नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। केवीएस इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसके साथ आपको ये पता चला कि इनके आंसर कैसे फ्रेम करने हैं। अगर आप सब अपने डेमो भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डेमो भेज दीजिएगा। मेरे साथ साथ और सारे टीचर हैं जो आपके डेमो को चेक करके आपको रिव्यू दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने आंसर जरूर भेजिएगा। अगर ऑफलाइन में तो आपकी ऑफलाइन सीट चेक हो रही है, चेक होने के बाद जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसको जरूर चेंज करना है। जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं उन सारे पॉइंट को यूज करना है, क्योंकि ऑफलाइन दे दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए, डेमो दे दीजिए, इंटरव्यू मॉक देके, लेकिन जब तक आपको जो फीडबैक मिल रहा है उसको अपने बिहेवियर में नहीं लाएंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। आपको इस टाइम पे अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करना है, ओके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ मैप इन माई हैंड, इट इज ICT, मेरे हाथ में एक मैप है, ठीक है। अब बताइए ICT है कि नहीं है। अगर मेरे हाथ में एक मैप है तो ये ICT नहीं है, लेकिन वही मैप मैंने आपको अपने फोन की स्क्रीन में दिखा दिया तो ICT है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी मॉक टेस्ट में आपने गड़बड़ किया था, इसलिए मैंने बताया कि कोई भी चीज अगर मैं अपने हाथ में लेकर दिखा रही हूँ, उसका हार्ड कॉपी दिखा रही हूँ, तो ICT नहीं है। लेकिन अगर मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको फोन में, लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, किसी चीज में दिखा रही हूँ, तो ICT है। और इस बार आपसे ICT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, आप दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड आप फ्लिप्ड लर्निंग के बारे में क्या जानते हैं, आंसर दीजिए। और जितने क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना, इन क्वेश्चन के आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार करने हैं। आप लोगों के बहुत डाउट हो रहा है कि मैम हिंदी में आंसर दे सकते हैं कि इंग्लिश में। देखिए, आंसर आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन केवीएस टीचर शुड हैव अ बाइलिंगुअल, क्योंकि केवीएस में आपको NCERT के जो बुक्स पढ़ानी है इंग्लिश में पढ़ानी है। तो अगर आपने सिर्फ हिंदी बोली तो एक कहीं ना कहीं इंटरव्यू के मन में थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि क्या ये क्लास में जाके पढ़ा पाएगा कि नहीं। बेशक आप हिंदी का यूज करिए, लेकिन बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड का यूज करिए। बीच बीच में बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में बोलिए। अगर आप बाइलिंगुअल इंटरव्यू देंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ओके। इसके साथ साथ आपको समझ में आ गया, अगर मैं सॉफ्ट कॉपी में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखाती हूँ तो ICT के अंतर्गत आएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप देखिए ICT का यूज करके हमारे क्लास में क्या होता है, एक तो क्लास इंटरेस्टिंग बनती है एंड आपकी जो लर्निंग होती है इफेक्टिव होती है, क्योंकि अब बच्चों को ICT में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आपके TLM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला, कुछ पॉइंट है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द बाला, बाला आपका शैतान का साला नहीं है, बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, हम बिल्डिंग को भी क्या कर देते हैं, लर्निंग एड बना देते हैं। डिफरेंट टाइप के टेबल, डिफरेंट टाइप का इंडिया का मैप, ये डिफरेंट टाइप की चीजें बना देते हैं ना अपनी बिल्डिंग में, वही आपकी बाला है। TLM आपके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा होता है, एक होता है आपका ऑडियो होता है, एक आपका विजुअल होता है, एक होता है ऑडियो एंड विजुअल, दोनों होता है। तो आपको क्या करने है, 5-5 एग्जाम्पल इसके तैयार रखने, ऑडियो के, वीडियो के एंड ऑडियो वीडियो दोनों जो होते हैं, ओके। इसके अलावा मैप कितने प्रकार का होता है, मैप आपका 3 प्रकार का होता है, क्योंकि उस टाइम TGT वाले ने जब साइंस सर ने क्वेश्चन पूछा था तो बच्चों ने गलत आंसर दिया था, थीमेटिक मैप का तो आंसर कोई नहीं दे पाया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एक होता है आपका थीमेटिक मैप, सेकंड होता है फिजिकल मैप, थर्ड होता है आपका पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप वो मैप होता है जो किसी स्पेशल चीज को दिखाए, हो सकता है आप इंडिया के पूरे इंडस्ट्री दिखा रहे हैं तो थीमेटिक मैप है, इंडिया के सारे NS दिखा रहे हैं तो थीमेटिक मैप है, इंडिया के मतलब पूरे एग्रीकल्चर के एक टर्म को दिखा रहे हैं तो थीमेटिक मैप, मतलब किसी स्पेशल चीज को अगर आप मैप में दिखा रहे हैं तो आपका कैसा थीमेटिक मैप है। आपका फिजिकल मैप क्या होता है, इंडिया कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया कहाँ से आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, कहाँ से वाटर बाउंड्री शेयर करता है, अगर आप बाउंड्री चीजें दिखा रहे हैं तो आपका कैसा होता है, फिजिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप कैसा होता है, जो हमारी कौन कौन सी रेखा, जैसे रेड क्लिफ रेखा खींची, हमने POK का एरिया कहाँ पे होता है, हमारी LSE कहाँ पे, अगर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल हमारी सीमाओं का वर्णन कैसे, हमारी बाउंड्री कैसी है। और फिजिकल में जैसे डिवाइड कैसे किया गया, इंडिया में यमुना कहाँ से निकल रही, तो गंगा कहाँ से निकल रही,
कोई भी हिमालय पर्वत कहाँ पे है, जो अगर फिजिकल चीजों का वर्णन है तो आपका फिजिकल मैप होता है। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। देखिए जो वीडियो आ रहे हैं इन सारे जो पॉइंट जो बताए जा रहे हैं वो सारे पॉइंट देखिएगा। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।